नहीं लस्सी जो कि रात बुशरा ने पी थी चुपके से व्लॉग में, देखा होगा आपने। तो अब मैंने रोज़ा इफ्तार करने के बाद लस्सी मंगाई है, तो मैं पीऊँगी एक मेरी एक नम्रा की। तो मैं पीनी नम्रा भूखी खद दो खाने के लिए, तो कही कि हाँ हाँ पीनी है मुझे भूखी सी। चलो फ्रेंड मिलते हैं आपसे लस्सी पीने के बाद, जिसमें ज़्यादा मलाई होगी। यार मलाई तो दिख ही नहीं रही है, इसे खोलो पहले, इसे खोलो। नहीं है मलाई, चाटना था इसको, फॉइल को चाटना भी है। चलो उठा लो अपना, अपना उठा लो भाई, मेरी ये वाली लस्सी अपनी पकड़ो। आ यस लस्सी। और लीजिए फ्रेंड्स लस्सी गिर गई। कैसे आप सब, उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कौन से आप सब बिल्कुल अच्छे हैं। वेलकम बैक अगेन सिद्दीकी फैमिली ब्लॉग्स में। सो यस ये पी रही हूँ लस्सी, और रात को आपने ब्लॉग में देखा था दूसरा लस्सी पी थी, उसमें मैं बताया नहीं, मैं सो चुकी थी क्योंकि आजकल मुझे आपको पता है कि मुझे नींद का इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है कि मुझे खुद नहीं होश होता कि मैं कहाँ कैसे कब सो गई। और सुबह मैं ऑफिस जाती थी इसलिए और ज़्यादा नींद बहुत ही नींद हो गई। सुबह तो संडे छुट्टी ऑफिस की, और अब मैं लस्सी पी रही हूँ, लस्सी थोड़ी सी गिरा दी थी मैंने। तो इसमें मुझे लगा था कि मलाई थोड़ी सी आएगी लस्सी में, लेकिन उसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं थी, लस्सी वाले में ख़राब हो गया। सुनने से आप थोड़ी देर में, अभी 8:05 है, नमाज का टाइम है, 15-20 अभी बाकी हैं, थोड़ा सा मस्ती करते उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। सो नमाज़ पढ़ ली ईशा की और आंखों में नींद आनी शुरू हो चुकी है, और अभी अम्मी और बुशरा आ गई हैं राहिल बाजी के यहाँ पर, तो वहाँ से आएंगी थोड़ी देर में, तो हम खाना खाएंगे थोड़ा सा और फिर मैं सो जाऊँगी बहुत तेज़ी में। फ्रेंड्स ये रहा हमारा बर्गर आ गया है, मन था आज खाने का चिकन बर्गर। चल तो भाई ले ले ले। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स मेरी खाला की तबियत सही नहीं हो रही, तबियत ठीक नहीं हो रही इनकी। हमारी खाला छोटी खाला हमारी क्या बोलो, ये हमारी घरवाली है, नहीं घर वाली नहीं, कहो कि ये मेरी वाइफ है, ये हमारी वाइफ है। इधर देखो, इधर करो कैमरा, इधर करो, ये हमारी शादी है, ये हमारी शादी की लड़की है जिसका नाम बुशरा है। इधर जो ब्लॉग बना रही है वो हमारी शादी है, जो ब्लॉग कर रही है जो मुझे पिटवाने के दंगल हो। फ्रेंड्स आजकल इनको वो शौक चढ़ रहा है ऑनलाइन शॉपिंग करने का। हैं छोले, क्योंकि आज हम जाएंगे बाहर रोज़ा खुशाई इफ्तार करने, आई मीन रोज़ा खुशाई करी, तो ये रहे छोले। तो सही, उठ जाओ बस बहुत देर हो गया। आयदा का तेल भी लाया पापा गंजी के वो लगाने के लिए, नसरीना हेयर टॉनिक। और फ्रेंड्स यहाँ पर पापा लेकर आए हैं बहुत सारा सामान घर के लिए ज़रूरत जो होता है, जैसे कि सर्फ वगैरह और साबुन एंड सब चीज़ें लेकर आए हैं। ये
इतने सारे फेना ही लेना। ओहो सारी कलर की दाल है चने हैं। This is chane. This is मसूर। वाला ले लो वाला। कोई चीज रख लो। This is खिचड़ी वाली दाल है शायद। हाँ हरी छोले। This is छोना। Assalamualaikum, so good morning और सुबह के बजे हैं 11:30 और तो हम लोग काफी पहले गए थे लेकिन अम्मी मार्केट लेके थी सुबह सुबह तो दाल चावल और वो सब चीज़ें लेकर आई हैं जो ज़रूरी होती हैं राशन यानी कि घर का। और बुशरा भी सोकर उठी है, मैं काफ़ी टाइम की उठ चुकी थी तो मैं पूरा फ़ोन चलाने लग गई थी और अभी 11:30 हो गए हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं। अच्छी व्लॉग में देखा था रूषा का एक्सपेरिमेंट जो नैनो टेप से वो बलून बनाए थे, अब ये इसने फाइनली बना ही लिए हैं। लेकिन रूषा ये क्या है, इस पे ब्लू सा है? ये ग्लिटर थी ना तो इसमें वो हो जाता है। अच्छा तो फ्रेंड्स ये बलून बनाया है रूषा ने, सही है। ऐसा बने तो अच्छे बने। किस चीज से बने? वो जो बलून फुलाने वाला नहीं था वो आपका हो गया, पंप से नहीं हुआ था। चल ठीक। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं जो आपके लिए एक सरप्राइज लाई हूं। सरप्राइज? आईफोन सरप्राइज में देते हैं? तुम इतनी बड़े हो तो मुझे आईफोन सरप्राइज में दोगी? हां हैं, सरप्राइज दोगे आईफोन का? वाह दिखाओ कौन आईफोन। फ्रेंड्स इनके फोन देखे आईफोन की शेप, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। अरे आईफोन 14 नहीं है, 15 है। आईफोन 15 है फ्रेंड्स, जो कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। वाह। और ये देखिए आरुषा लेकर आई है मेरे लिए आईफोन। सो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सच में। आरुषा तुम बहुत अच्छा लाई, बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत खुशी है। इतनी खुशी कि बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच आरुषा, इंशाल्लाह एकदम जरूर लेंगे आईफोन 15 में आपसे। अभी लॉन्च तो होने दो, पहले एप्पल वाले से कहो लॉन्च करो प्लीज, एप्पल आईफोन 15 लॉन्च करो, 15 लॉन्च करो। दिखाओ। वाओ आयदा कलर तो इतना मस्त है, वाला ग्रीन। आपने कब लिया? कब लिया आपने आईफोन? हाँ वाओ आईफोन, आईफोन 14 पूरे घर में इतना रेत हो रहा। 14 आईफोन। सब्जी बनेगी क्या? कद्दू, सीताफल। अभी आज बहुत सारी चीज़ें बनने वाली हैं, स्पेशल सी जो भी बनेगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और अभी जो मैंने वो आलू भी बॉईल किए हैं वो भी किसके लिए किए मैं आपको बोल बताऊँगी। फ्रेंड्स देखिए रमज़ानों में फ्रिज पूरा ऐसा रहता है खचाखच भरा हुआ, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सामान सारा भरा पड़ा है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक सब। और यहाँ पर अब जो बनाने वाले हैं वो सब ऐसे फैला पड़ा है। हम लोग बनाएंगे कीमे के समोसे और पकौड़ियाँ जो बनती है, और कुछ कीमे की पकौड़ी और कुछ बनाएंगे मैं ब्रेड का, तो आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अभी फिलहाल पहले मैं पूरा तैयार कर लेती हूँ उसका, एक वो जो एक बैटर होगा सब चीज़ों में पूरा रॉ मटेरियल है उस तैयार करती हूँ, उसके बाद में बनाएंगे तब आपसे शेयर। ठीक है कीमे के समोसे मामे, गोभी के साथ आप क्या करोगी? गोभी कद्दू की सब्जी। देखिए ये क्या है, ये है पता ना याद नहीं है इसका मुझे, और ये है छोले, ये सी है तेल, ये भी फुल हो गए। देखिए देखो ये हमने अभी सब्जी खाई थी, देखिए अभी तो बहुत फुला हो रखा है। फिर मिलते हैं, बाय।
ये है कीमा जो कि हमारे कीमे के समोसे बनेंगे। ब्रेड की क्रैम्पिंग हो गई, अच्छे से बढ़िया बन जाएगी। फ्रेंड्स ये तैयार हो गया है हमारा ब्रेड का, क्या बोलते हैं हमने इसको, बैटर। फ्रेंड्स यहाँ पे ये बन रहा है, लग रहा कम शोर मचाना लगा। यहाँ पे मैं बना रही हूँ अमचूर, अब मैं भरूंगी देखो। देखा आपने, ये मिर्च मेरे पूरी भर ली है, तो आप इसको रख देंगे एक तरफ, दो काम कर लीजिएगा, तीसरे काम कर सकते हैं। सब पे कितने काम में वो करिए, कौन सा सामान करूँ, आज जब भी आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। देखिए वही ये पूरे में अभी आपको दिखाऊंगा बाद में, बाय। जब भी आलू काट रही है रोटी के लिए, देखिए फ्रेंड्स ये आ चुके हैं। देखिए बताते ये सामान लाई है, रे छप्पी मेरी अम्मी और गेरी मम्मा, ये हमारी पारी हो रही है, पारी हो रही है। ये बन रही है पुदीने की चटनी, और पुदीना और क्या है, गेरी और अब पुदीने की चटनी। और यहाँ पर हमारा ये तैयार हो गया है ब्रेड, और ये क्रम्पिंग, और ये बन रही है कीमे की पकौड़ कचौड़ी के लिए, आटा गूंद रहा है। टाइम हो गया है 5:30, और अब बचा है एक घंटे का समय पूरा, और अभी हमारा एक काम भी कंप्लीट नहीं हुआ, बस खाली अभी हमारे वो बन के तैयार हुए हैं, मतलब रॉ मटेरियल तैयार हुआ है, पूरा तैयार कुछ भी नहीं है, और सब कुछ देर करवाई नम्रा ने। बस ठीक, सारी देर करवा दी, सब चीज़ें ऐसी रखी हुई, मतलब सब कंप्लीट है, लेकिन बना कुछ नहीं, अभी तो पता नहीं अब एक घंटे में बन पाएगा या नहीं, लेट्स सी। एक घंटा ना बहुत होता, एक घंटे में ना हम पहुंच जाएंगे दूसरे देश। ओके, बन रहे हैं छोले, यानी कि बन चुके हैं ना। मनो चाट मसाला देना। ये डल रहा है चाट मसाला, लेकिन फ्रेंड्स नमाज पढ़ लिया मैंने, लेकिन अभी तक भी हमारा बस छोले छोले बने हैं खाली। हमने क्या क्या ये लगी पड़ी है यहाँ पर देखो, और इसके अलावा मैं दिखाती हूँ आपको कि हमने ना ये वाला बड़ा वाला सिलेंडर लगा दिया, अब इसको बनाएंगे फटाफट, क्योंकि बहुत सारा सामान रहता है। ठीक है, तो अभी हम मिलते हैं आपसे। अभी देखो फ्रूट चाट भी कट करनी है, ये रखी यहाँ पर फ्रूट चाट दो। तैयार हो चुका है पूरा ये, अब पता नहीं क्या डिश बनेगी, ब्रेड स्क्रम्स बनेंगे या ब्रेड सैंडविच बनेगा या क्या होगा, जो भी है। ये तो स्टफिंग है आलू की, और ये है यहाँ पर ब्रेड की क्रैम्पिंग, ये ब्रेड है, और ये है यहाँ पर ऑमलेट अंडा। अब बनाते हैं इसको।
सो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जो हमारे पास एग था हमें एग की प्योरी में इसको ऐड करना है और अच्छे से इसको पूरे से मतलब पूरा इसको डुबो कर इसमें अच्छे से मिला लेना ताकि इस पर अच्छे से एग ऐड हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पर जो हमने ब्रेड की क्रम्पिंग बनाई हुई है यहाँ पर तो उसमें हमें इसको अच्छे से चिपकाना है, यानी कि पूरा इसको जहाँ पर एग लगा हुआ सब पे अच्छे से भर लेना है इसको, और भरने के बाद फिर हम उसको रख लेंगे और यानी कि फ्राई करना है उसके बाद। तो अभी बुशरा ने फ्राई नहीं किया है, वो एंड में करेगी। सो अभी सारा ही हमें जो इतने भी मेरे पास रखे हुए हैं ब्रेड उन सबको मुझे ऐसे ही करना है पूरा प्रोसेस के, पहले एग फिर उसके बाद प्योर। मम्मा मिक्सी को वो कर रही है। मम्मी आ चुकी है घर से अपने, देखिए ये तो मम्मा ने कर दिए फोन, देखिए अब और ये चोपी ने बना चुके हैं। अचोपी मजा आ रहा है ना, जब देखने में कितना मजा आ रहा है, जब खाने में कितना मजा आ रहा है देखो। फ्रूट की वो करिए, देखिए ये रखिए पूरी, ये ग्रेप्स। मम्मी कीमे के समोसे बना रही है, ये मम्मा से पीछे। और फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहे हैं मलिक के फेवरेट कीमे के समोसे, तो ये हमने इफ्तार के टाइम पे ही प्रिपेयर कर लिए थे अच्छे से ताकि बन जाए तो वो खा लेगा। लेकिन सडनली क्या हुआ कि इफ्तार के टाइम उसको जाना पड़ गया कहीं दावत में। मम्मा ने ये बना चुके हैं ये दोनों, देखिए अब मम्मा कुछ बनाने जा रही है, कीमे के समोसे बना रही है। सो फ्रेंड्स ये बन रहे हैं पहली बार रमज़ान में कीमे के पकोड़े, बहुत ही यम्मी देखने में लग रहे हैं सच में, और खाने में तो और भी ज़्यादा यम्मी थे सच में, बहुत मज़ा आया इसे खाने में। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कीमे की पकौड़ी खाने के लिए। मैं भी। अभी हमने फ्रेंड्स ये बनाया है, एक तो सैंडविच हो गया, तो सैंडविच की शेप दे दी है, और एक ये क्रम्स जो भी कहेंगे तो मुझे नहीं पता, अब जब फ्राई कर लेंगे उस पर आपको दिखाएंगे। पानी पियो। और फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहे हैं कीमे के समोसे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स टाइम से सारा काम कंप्लीट हो गया, हमें लगा था कि नहीं हो पाएगा क्योंकि एक घंटा बचा था, लेकिन हो गया माशाल्लाह सभी काम कंप्लीट। हाँ मैं बचेगी।
फ्रेंड्स खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र तेरा। तो बता दो क्रिम्प में कैसे लगी थी, क्रम्स, आलू की क्रम्स। और उनके चक्कर में हमने फ्रेंड्स पकौड़ियाँ भी नहीं खाई आज, कल को इसे खाएंगे, आज ही बेचारी सारी ऐसी रह गई है। क्रम्स इतने अच्छे लगे, क्रम्स थे, कीमे की पकौड़ियाँ थी और कीमे के समोसे थे। तुम्हें क्या अच्छा लगा? बहुत मज़े। एक बचा है मलिक के लिए, हमने छोड़ दिया जरा, ये हाफ है, ये खा लूँ मैं। खा लूँ। ले खा के देख क्रम्स कैसे भैया, तेल रखा है कि, खा के देख कैसा। मैंने बनाया बहुत बढ़िया, मुझे कहा था।